भक्तों को ये बात बताएं कि मेरे मंदिर जाने से या मेरे अचार टच करने से इट्स रिडिक्युलस, यू नो, ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। हर लड़की की ज़िंदगी में हर महीने वो 5 दिन आते हैं जिसके जिसमें उनका पीरियड आता है, तो ओन दोज 5 डेज क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील। ने सवाल पूछा है सूर्य बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि अ वुमन आई योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसके पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। व्हेन दे आस्क द कंसर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब वो पूछते हैं इसके बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी, उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनके लिबास है वो आपकी लिबास है, मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियां बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन, और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है लकड़ी, उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट, संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते टच करते, बाद में जो हजरे अस्वद है तो हजरे अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे, और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कसरत देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई, माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजरे अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत करता है, कोई भी मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को यह गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं उमरा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं, तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा हजरे अस्वद हमारे लिए किबला है, किबला मीन डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे। तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन,
नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उमरा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का एहकाम है, हमारे रसूल का एहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महावर है, एक सेंटर, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो सेकेंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजरे अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेले कुछ अच्छा कर सकता है ना मेले कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इससे मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के अजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजरे अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो यह कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के अजान दी, तो यह साबित है कि हम ना काबा ना हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं, और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इस्लाम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है, तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान क्या आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने, तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं, नमस्ते आता है इदम नममे से। आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुभान व तआला। तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आपको। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि नहीं चांद के दो टुकड़े हुए क्या नहीं? कुरान की आयत शक्ल कमर की, कई हदीस है, हम मानते हैं कि यह मौजिजा था जो अल्लाह ने किया, मौजिजा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फलकियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है, फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के दो टुकड़े किए।
टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को बताने। तो मैं कहता इंशाल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हें तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ताक़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का कुरान शरीफ। खुद नाम से क्वेश्चन माइक नंबर 2 से।